औरंगाबाद सदर अस्पताल में पॉकेट मारी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। महीने में एक या दो पॉकेट मारी का मामला सामने आ ही जाता है। एक बार फिर सदर अस्पताल में पॉकेट मारी की घटना घटी है, जहां लोगों ने उक्त पॉकेट मार को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया। पॉकेट मारी की घटना होने के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई और पकड़े गए पॉकेट मार को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कई लोगों ने ऐसे ही घटना अपने साथ घटित होने की जानकारी भी साझा किया। बता दें कि कथरुआ निवासी रंजीत कुमार अपना इलाज कराने डॉक्टर विकास के पास आए हुए थे और पंक्ति में खड़े हुए थे। इसी दौरान उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनके पॉकेट में कोई हाथ डाल रहा है। अचानक उन्होंने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया जो उन्हीं के साथ पंक्ति में पीछे खड़ा था। पकड़े गए युवक की पहचान बड़वा निवासी मोहम्मद शाहिद के रूप में की गई है, जिसके पास से कुल 5,250 रुपए बरामद हुए हैं। पैकेट से पैसा निकाल लिया है। हम डॉक्टर उनके यहाँ दिखाने आए थे, हॉस्पिटल विकास कुमार के यहाँ। फर्स्ट आवर मेरा नंबर था गेट पर, पीछे मेरा लगा हुआ था, पैकेट से पैसा निकाल लिया। पैसा निकालने का शक मुझे हुआ, इसको मैं हाथ पकड़ा और पैसा सही थे मेरा। कितना पैसा था? 2000 के आसपास। हाँ, चोर पकड़ाया है अभी पैसा लेते हुए, जैसा ही बता रहे हैं हमको। अभी पता चला है 5,000 रुपये बरामद किया गया है और कुछ और पैसा है जो कह रहा है कि मेरा पैसा है, पता लगाना पड़ेगा। क्या इसकी सूचना पुलिस को दी जा रही है? हाँ, पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस दोनों को लेकर नगर थाना में पूछताछ कर रही है। हालांकि पकड़ा गया युवक खुद को निर्दोष बता रहा है और कह रहा है कि वह खुद भी इलाज कराने आया हुआ था। देशवा न्यूज के लिए औरंगाबाद से दीनानाथ मवार की रिपोर्ट।